नमस्कार। सॉल्व अनसॉल्व प्रश्न की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हमने अभी तक हिंदी साहित्य के लेखन और उसकी परंपरा पे लगभग 100-150 प्रश्न जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। अब हम आते हैं आदिकाल पर। ठीक, आते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? किस ग्रंथ में है? मृगावती, पद्मावत, पदावली और मधुमालती। ठीक, तो चूंकि यह प्रश्न देखें आप, यहां पर यह आपको आसानी हो जाएगी। आदिकाल का प्रश्न है तो कौन सी रचना इसमें आदिकाल से जुड़ी हुई है आप ये भी समझ सकते हैं, और प्लस हमने पढ़ा भी था पदावली जो है विद्यापति की पदावली वो श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का है और मैथिल भाषा में ये रचना है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी आप यहां पर देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, विसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है? विसल देव नायिका के नाम क्या है? हमने पहले पढ़ा था, पहले तो नायक जो है वो विग्रह राज है और नायिका है राजमती। ठीक, यहां पढ़ सकते हैं विसल देव नायिका की जो है वो राजमती है। नरपति नाल की रचना है, यह वीर गीत काव्य है, चार खंडों में है। प्रथम खंड में राजमती विसल देव का विवाह है, फिर विसल देव और राजमती स्वरूप को उड़ीसा चले जाते हैं और उसके बाद फिर राजमती का विरह वर्णन है और उसके बाद फिर उनको वापस लाने की जो भी योजना है होती है। ठीक, अगला है, चर्यापद के रचयिता कौन है? चर्यापद के रचयिता कौन है? शबरपा। शबरपा जो है वह चर्यापद के रचयिता है। लाइन है, पियो चित्तौड़ न आवियु सावण पहली तीज, जोवे बाट बिरहड़ी खिड़खिड़े अड़वे खींच, संदेशो पिड़ साहिबा पाछू फिरे न देह, पंछी घालिया पिंजरे छूटड़ रो संदेह। ये जो पंक्ति है वो किसकी है? आपका विकल्प है करकंड चरियु खुमाड़ रासो ढोला मारूरा दूहा पद्मावत रासो। ये पंक्ति है खुमाड़ रासो की। खुमाड़ रासो के रचनाकार दलपति विजय। अगले प्रश्न पर आते हैं, जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है? जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं भट्ट केदार। ठीक, यह जो देशभाषा के 8 रचनाकार हुए हैं रासो काव्य उसकी पुस्तक है। छठवां प्रश्न है, सिद्धों और योगियों के रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों अनुभूतियों और दशाओं में कोई संबंध नहीं है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध कोटि के साहित्य में नहीं आ सकता। कौन नहीं आ सकता है? ये किसको कह रहा है? सिद्धों के बारे में कौन कह रहा है? श्री रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में। अगला है, कुमार पाल प्रतिबोध किसकी रचना है? आसान प्रश्न, सोम प्रभु सूरी की रचना। जैन साहित्य के रचनाकार है सोम प्रभु सूरी, उनकी रचना है कुमार पाल प्रतिबोध। अगला आता है, संदेश राशक के रचनाकार कौन है? संदेश राशक के रचनाकार है अब्दुल रहमान, या कहीं कहीं इनको अद्दहमाण भी कहा जाता है। इनको हजार प्रसाद द्विवेदी ने पहला कवि माना है। नवा प्रश्न है, विद्यापति की पदावली मैथिल हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? पहला, बंगला, मराठी, बिहारी, उड़िया। किससे प्रभावित है? बंगला से प्रभावित है अधिक। श्री कृष्ण और राधा का जो प्रेम है यह बंगला के जो जो चैतन्य महाप्रभु जो वाली जो सीरीज है उससे वो अधिक प्रभावित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रसिद्ध पंक्ति, भल्ला हुआ जो मारिया
वहिणी मारा कंतु लज्जे जम कुवयसी हूँ जय भग्य घर इंतु। ठीक है, यह पंक्ति जो है वो किसकी है? यह पंक्ति है आपकी हेमचंद्र की। इसमें हेम जो स्त्री जो है वो एक दूसरे से कह रही है कि अच्छा हुआ जो तुम्हारा पति है वह मारा गया युद्ध के मैदान में, अगर वह घर वापस जिंदा आ जाता तो बड़ी लज्जा का विषय होता। सोचिए उस समय के क्षत्रिय जो विचार, वीर रस का जो विचार है क्षत्रिय कुल का, उसमें दिखाया गया है कि मतलब युद्ध के मैदान में यदि कोई जा रहा है तो वो वहां मर जाए वो उचित है, लेकिन वहां से भाग कर या हार कर वापस अगर यदि आ गया तो मैं पूरा जीवन कैसे बिताऊंगी, ये स्त्री कह रही है घर की। उस समय की जो स्त्रियां हैं घर की वह भी विचारों से कितने वीरता से ओतप्रोत हैं, देशभक्ति से ओतप्रोत हैं अपने। अगली है जो प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल में से किस साहित्यकार ने कहा है? कितनी बार हमने इसको देखा है, राम कुमार वर्मा ने। पहला वो सिद्ध जो है वो मानते संधि काल, उसके बाद तुरंत उसको बाद जो श्रेणी है चारण काल कहते हैं। ठीक, ऋषभ ने प्रारंभिक काल कहा है इसको। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित है? इससे ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं हो सकता है, आदिकाल से संबंधित है। हिंदी के खड़ी बोली के पहले कवि इनको माना जाता है। दान वाक्यावली किसकी रचना है? आसान प्रश्न, फिर से, यह विद्यापति की रचना है जो संस्कृत में लिखी गई है, संस्कृत का ग्रंथ है। विद्यापति संस्कृत, हिंदी, अवहट, मैथिली सबके अच्छे बड़े रचनाकार हैं। इनका कुछ फैक्चुअल जो दिया हुआ है वो यहाँ से देख ले, महत्वपूर्ण है, जिसको इसको हम सभी ने नोट्स में ज्यादातर इन सभी पॉइंट्स को पढ़ाया है ऑलरेडी, आप रिविजन के पर्पज से एक बार देख सकते हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना, नहीं समझना चाहिए, यह कथन किसका है? यह रामचंद्र शुक्ल का है। विद्यापति को जब पढ़ते हैं तो उनमें कई सारे लगते हैं, या तो वो शैव है, भक्त है, और मतलब कृष्ण है या भक्त है या श्रृंगार है, इस तरह के आरोप कई जो हैं वो उनकी रचनाओं पर लगता है। तो ये कौन कहता है? यह रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसके अंतर्गत सरपा लोईपा आदि किस जो कवि आते हैं? कौन है? पा पा जो आदर सूचक शब्द ज्यादातर आता है सिद्ध साहित्य में, 84 सिद्ध हैं, जिसमें ये जो सरहपा, सबरपा, लोईपा, कन्हपा, डोम्बिपा, कुकुरिपा, इनका नाम जो है वो सुनने में आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य धाराओं में कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी? रासो काव्य धारा, क्योंकि यह आपके आदिकाल के अंतर्गत आती है, भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है, बाकी सभी भक्ति काल के अंतर्गत आती है। आगे वाले वाले क्लास में आप इसको पढ़ रहे हैं। 17 प्रश्न है, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। कौन कह रहा है, कौन मानता है सिद्ध सामंत युग? ये जो सिद्ध सामंत नाम है वो कौन देता है? राहुल सांकृत्यानंद। तो थोड़ा हिंट आप यहां से भी इसको समझिए। अगला जो प्रश्न है, जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उसमें वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है, जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने के यह कुछ छूट गया है, नहीं आया है, इसको हम क्लियर कर लेंगे। यह कथन जो है वह किसका है, यह पूछा गया है। यह कथन जो है वह हजार प्रसाद द्विवेदी का है, इसमें स्पष्टता दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है, यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है, जाली पृथ्वीराज को कौन कहा? हमने कहा था कि बहुत सारे लोग कुछ प्रामाणिक मानते हैं, कुछ अप्रामाणिक मानते हैं, कुछ अर्ध प्रामाणिक मानते हैं, इसमें आपके रामचंद्र शुक्ल या अप्रामाणिक मानने वालों में ये भी है, उन्होंने कहा है इसके बारे में। अगला है, देखिए ये सूची पूरी है, प्रमाणिक अर्थ प्रमाणिक मानने वालों में, ये हमने अपने नोट्स में भी पढ़ाते हुए क्लास में भी बताया है। ठीक है, 20 प्रश्न, इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित मात्र अभास मात्र है। ठीक,
रामचंद्र शुक्ल की यह पंक्ति जो है वो किसके बारे में है? पृथ्वीराज रासो के बारे में, विशल देव रासो के बारे में, खुमार रासो के बारे में, विजयपाल रासो के बारे में? यह है विशल देव रासो के बारे में। यह प्रेम काव्य इसको अधिकतर माना ही जाता है, इस रासो ग्रंथ को। अगला है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती है। सिद्धों नाथों योगियों की रचनाओं के विषय में यह मत किसका है? यह मत है आपके रामचंद्र शुक्ल का है। ये अपने पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्होंने यह बात कही है। राउल वेल के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये यदि बताना है, ये नहीं है, ध्यान रखना जरूरी है। उसके रचयिता रोड़ा नामक कृत्य है, बिल्कुल। इस यह एक जो मूलतः शिलांकृत रचना है, बिल्कुल है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। इसमें राउल नामक जो रचनाकार है उसके शौर्य का वर्णन किया गया है, यह जो है वह गलत है, ठीक है। नायक नहीं है, राउल नामक नायिका का वर्णन किया गया है। उसके नक्षत्र परंपरा जो कि इसी में शुरुआत हुई थी। इतिहास कारों द्वारा मान हिंदी का प्रथम कवि यहाँ पे लिखेंगे, हमने पढ़ा था। अब कुछ को आप सुनिश्चित करें, स्वयंभू राम स्वयं स्वयंभू है, राहुल सर, राहु जो है वो सर है, सरहापा हमने कहा था। गणपति की हमने साली बताया था, गणपति की साली, और शिव सेंगर जो है, शिव एक पुण्यात्मा है। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? श्रावकाचार देवसेन सही है, नेमिनाथ सुमतिगढ़ ये भी सही है, भरतेश्वर बाहुबली जो है वो शालिभद्र सूरी ये भी सही है, रेवंत गिरिरास ये गलत है, विजय सेन सूरी इसके रचनाकार है, और जिनधन सूरी की रचना है स्थूल भद्र रास, ठीक है। सरफा से निम्नलिखित कौन सा तथ्य संबंधित नहीं है? ये सत्य सिद्ध साहित्य प्रारंभ करता है, सही बात है। दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना है, ये भी सत्य है। उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है, नहीं ये गलत है। उन्होंने अंत साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई, ये सही है, इसलिए इनसे इसका सही जवाब हो जाएगा सी, तथ्य सही नहीं है उनके बारे में, ठीक। 25 प्रश्न, अब आते हैं अगले 26 प्रश्न पर। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारत वर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजार प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति किसके विषय में है? यह है गोरखनाथ के विषय में। गोरखनाथ को जब बात करते हैं तो बोलते हैं कि शंकराचार्य को सबसे ज्यादा प्रभावशाली मानते हैं, उसके बाद इन्होंने गोरखनाथ को माना। अगला है प्रश्न, डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को मूल मानते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे कम पद है। बाकी इसमें बोला गया कि बाद में और जोर जोर के उसको प्रशिक्त जो है वो जोड़ दिया गया और बड़ा बना दिया गया। सबसे कम पद किसमें आपको मिल रहा है? 1300, ये ध्यान रहे, 1300 से भी कम होगा तो वो मत ध्यान देना। 1300 जो पद है वो सबसे छोटा जो है वो इसमें माना है, किसने? दशरथ शर्मा ने माना। पूरा जो डिटेल है उसके साथ एक्सप्लेनेशन आप वहां देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बीसल देव के संपादन कर्ता कौन है? श्री माता प्रसाद गुप्त एवं अगर चंद ना हटा जो है वो इसके संपादक हैं, विशल देव, और इसके रचनाकार कौन है? नरपति नाल। ये प्रेम रचना है। आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषय कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला, उनकी पहेलियां मुकरिया और दो सुखने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है, सही जवाब। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा प्रयास कर रही थी, ये भी कहीं ना कहीं सही है। उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की, सही जवाब। उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेशक देना मात्र था, नहीं, उनका उद्देश्य केवल धर्म का उपदेश देना मात्र नहीं था, मनोरंजन भी था, रचना करना भी था, अच्छी कविता की रचना करना भी था, ठीक है। आचार्य शुक्ल के किस रचना के द्वारा विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? मैथिली भाषा में उनकी रचना
पदावली, कीर्तिलता जो है ये तो अवहट्ट में है, लिखना वाली उनके संस्कृत में है, जबकि पदावली जो है वो मैथिली भाषा में है। आते हैं 31 प्रश्न में, कौन सा विवरण सही नहीं है? सिद्धों की वाम मार्गी भोग साधना के प्रतिक्रिया में नाथ पंथियों की हट जो शुरू हुई, साधना सही जवाब है। जैन साहित्य आचार रासोपाख चरित आदि शैलियों में रचा गया, ये भी सही बात है। हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया, यह गलत है। पूर्वी भाग में नहीं बल्कि पश्चिम भाग में किया है। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से उत्पन्न हुआ, यह सही है। अगला प्रश्न, अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है, यह कथन किसने कहा है और किसके बारे में? यह कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम स्रष्टा थे, हिंदी काव्यधारा एक द्वारा है, कौन कहा है? राहुल संकृत्यानंद, मिश्र बंधु, शिवसिंह सेंगर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यह कथन किसने कहा है? राहुल संकृत्यानंद ने, इनकी पुस्तक है हिंदी काव्यधारा। अगले पर आते हैं, थोड़ा सा ही है, ब्लर हो गया है, मैं पढ़ रही हूँ आप समझ जाएंगे। इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं वहट कहा है था, इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग हुआ था। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व जो है वो अधिक है। कौन सी पुस्तक है? हजार प्रसाद द्विवेदी ये कहते हैं पुस्तक इसकी है, विद्यापति की कीर्तिलता। कीर्तिलता जो है अवहट्ट में है इनकी। अगले प्रश्न पर आते हैं, साधारणता सन ईसवी से 10वीं से लेकर के 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। आदिकाल कौन कहा है? ये तो इससे पहले स्पष्ट हो जाएगा, हजार प्रसाद द्विवेदी। ज्यादा सोचना ही नहीं है। 35 प्रश्न, चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने इस शैली में लिखना शुरू किया। सराभा के विषय में यह कौन कहता है? सराभा के विषय में अब थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि एक तो राहुल जो है वो सराभा को मानते हैं ज्यादा, इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बल्कि ये कथन राहुल ने नहीं, ये कथन कहा है अजय प्रसाद द्विवेदी ने। ये थोड़ा सा ट्रिक्स बना लीजिएगा इस तरह के प्रश्नों का। सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? चंदन वाला रास आजरू कवि सुमेलित है। स्थूलभद्र रास जो है ये सुमेलित नहीं है। इसके रचनाकार कौन है? जिन धर्म सूरी, ठीक है। विजयसेन सूरी किसके रचनाकार? रेवंत गिरी रास के। अभी ये प्रश्न आया था, थोड़ा घुमा के आया था, बाकी सब सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, कुवलय माला कथा के लेखक कौन है? उद्योतन सूरी इसके लेखक है। 38, पुण्य या पुण्य पुष्य को किसने माना? शिव पुण्यात्मा। ये कोड हमने पहले ही बनाया था, इस सब प्रश्नों पर बहुत ज्यादा समय नहीं दे, केवल सॉल्व करते हुए चले, लेकिन छोड़ना भी नहीं है। देखो बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन छोड़ना भी नहीं है, सॉल्व सबको करते हुए चलना है। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किसने है? वज्रयानों से इसका संबंध है, वज्रयानों के बारे में बताया गया, इनका सिद्ध वज्रानी सिद्धों के बारे में बताया गया है इसमें। जिहाल मिस्की, मकुंद तवाफुल, दुराए नैना, बनाए बतिया रश्त के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की बड़ी फेमस पंक्ति है, इसके लिए आपको सेकंड थॉट की जरूरत नहीं। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? धनपाल नहीं, राजशेखर नहीं, धर्मप्रभु सूरी नहीं, रामचंद्र सूरी है इसके लेखक। ये बहुत कम देखने को मिलता है यह प्रश्न में। 42, हिंदी में कौन सा नाम सिद्ध साहित्य सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं है? ठीक है, अब आप पढ़ोगे तो ये तीन कर्ण फलपा लक्ष्मीकणा मणिभद्रपा आता है, पुतलिपा जो है वो नाम सिद्धों में नहीं आता, बाकी तीन जो है वो सिद्धों में, 84 सिद्धों में इन तीनों का नाम भी आता है। हिंदवी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने पहली बार किया था? विकल्प है आपके, रामचंद्र शुक्ल, इब्न बतूता, अबू सईद, बदायूनी। पहली बार जो है वो बदायूनी ने किया था, ठीक। किसका? हिंदवी शब्द का प्रयोग।
जो विकल्प में दिया है उसमें हम बोल रहे हैं बदा अबू सईद ने किया। 44 प्रश्न है, कलचुरी राजवंश के 7 नायिकाओं के नक्शिक का वर्णन किसमें देता है? राउल वेली में। नक्शिक वर्णन पहली बार कहाँ है? राउल वेली में। काम भावना शरीर का सौंदर्य और उनके यहाँ उत्सव रूप में है, विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसने कहा है? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। ये बड़े कटु आलोचक है विद्यापति के। 46, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने कहा है? अपभ्रंश में दोहा काव्य की बात हो रही है, हिंदी में नहीं। हेमचंद्र, जोइंदु, धनपाल, सोमनाथ। जोइंदु ने किया है ये, इसका सही जवाब हो जाएगा जोइंदु। ये रचना है परमात्म सार योग प्रकाश। 47, किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग जीव को महासुख की ओर ले जाता है? सोचने की जरूरत नहीं है, पंचमकार की बात करते हैं ये, मांस मदरा मैथुन मशनी और मुद्रा। कौन है ये? सिद्ध। रामचंद्र शुक्ल, अगला प्रश्न 48, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई है, कौन है चंद्रबरदाई? केवल कवित्त के रचयिता, गलत जवाब। हिंदी के प्रथम कवि, हाँ उन्होंने माना है। केवल दुहा और तोमर के रचयिता, यह भी गलत है। व्याकरण में पारंगत, हाँ ये मानते हैं, तो विकल्प आपका हो जाएगा, कौन सा विकल्प है? 2 और 4, 2 और 4, ये डी, हाँ डी जवाब सही है, देख सकते हैं। अब जन्म काल के हिसाब से इनका क्रम लगाइए, सबसे पहले कौन आते हैं आपके? सबसे पहले आ जाएंगे आपके स्वयंभू, ठीक, सबसे पहले आ जाएंगे आपके स्वयंभू, फिर आते हैं आपके लुईपा, फिर है आपके पुष्पदंत, लास्ट में आ जाएंगे आपके हेमचंद्र। तो विकल्प 2, 1, 3, 4, ये कहाँ है? कहीं है, 2, 1, 2, 1, 4, 3 है विकल्प, 2, 1 पहले आ जाएंगे, 4 पहले आ जाएगा, 3 जो है वो बाद में आ जाएगा। दो एक चार तीन, ठीक है सही। तो अमीर खुसरो के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? उनका जन्म पटियाला में हुआ, सही जवाब। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, सही तथ्य कौन है पूछ रहे हैं? नहीं, उनका जन्म पटियाला में नहीं, उनका जन्म तो हुआ था आपका ये आपके एटा में। तो इसका सही जवाब हो गया 2। क्या पूछा प्रश्न? अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं? 2 इसका सही है। अच्छा, 1 से ज्यादा बताना है, ठीक है। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान के तूती हैं, ये तो बिल्कुल सही जवाब है। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में थे। ये आंशिकता हो सकता है, पूर्णता ये मिलता नहीं है। 2 और 4, किसी विकल्प में 2 और 4 है, डी 2 और 3। देखो ये थोड़ा कंफ्यूजन है, ये इन्होंने मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, तूती है हिंदी, मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में नहीं पूछा, अच्छा ये विकल्प है, मुझसे कुछ पूछना हो तो हिंदी में पूछो, ये कहते हैं। देखो पूरा प्रश्न पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो 2 और 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ने लाइन्स बाद की लाइन के बाहर कारण ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका विकल्प हो जाएगा सी, 2 और 3, ठीक है। तो आज 50 प्रश्न हो गए हैं, आज यहीं पे विराम लेते हैं, इसके आगे फिर हम अगले जो सीरीज आएगी उसमें मिलेंगे, ठीक है। तो गुड नाइट, लेट नाइट हो गया है, मेरे घड़ी में अब बजने वाला है 1:30, तो
आप सभी लगातार प्रश्न सॉल्व करते हुए चले। मिलते हैं हम अगली क्लास में। आप सभी को शुभकामनाएं।